अंदर से सही है, अंदर से हमको पाने देंगे तेरा फोन। श्री राधे राधे राधे। यह निधिवन है, निधिवन का प्रवेश द्वार है, यहीं से सब जाते हैं दर्शक, यहाँ जूता उतार रख के बोलिए राधे को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे। ये निधिवन है, वृंदावन में एक निधिवन जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधे के साथ और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, वही जगह है। राधे राधे भैया, राधे राधे। ये वही मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख लो, दर्शन करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यह वृंदावन का पावन क्षेत्र है, ये देखिए चारों तरफ वृंदा पेड़ है, ये सब गोपियां हैं, रात में गोपियां बन जाती हैं और भगवान कृष्ण के साथ लीला करते हैं। ये देखिए पूरे वृंदा है, ये वृंदावन का कुंड है, निधिवन बोलते हैं, निधिवन का कुंड है। ये यहाँ पर पूरे वृंदा लता है, रात में सब लीला रचाने के लिए गोपियां बन जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ। ये देखिए भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए थे बांके बिहारी के स्वरूप में। कुंज बिहारी से हरिदास ने अखंड भक्ति करके भगवान कृष्ण को बांके बिहारी स्वरूप में यहीं से प्राप्त किया था। प्रकट स्थली है यहाँ पर, यहाँ पर प्रकट स्थली है, वहाँ पर कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है। वहीं पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे और राधे कृष्ण का स्वरूप है, आज सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये देखिए निधिवन है, निधिवन में सब ये वृंदा का पेड़ है, यही सब रात में गोपियां बन जाती हैं भगवान कृष्ण के साथ, ये सब लीला करते हैं रात में। ये देखिए वृंदा का पेड़ यहाँ पर कवर कर दिया गया है बंदरों से सुरक्षा के लिए, बंदर काफी परेशान करते हैं इसलिए। ये देखिए ये सब तुलसी का पेड़ है, द्वापर युग के समय का है, सब गोपियां बन जाती है ये सब रात में। बोलिए राधा रानी की। मित्रों ये निधिवन का वही जगह है जहां पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ राधा रानी के साथ नित्य रास विहार करने यहां पर आते हैं। जी हां मित्रों, ये वही जगह है जहां पर भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त श्री हरिदास ने यहां पर भगवान बांके बिहारी को प्रकट स्वरूप में यहां पर प्राप्त किया था। अपने धुनों पर भगवान कृष्ण को यहाँ पर, संगीत के धुनों पर भगवान कृष्ण को यहाँ पर प्रकट किया था। तब से इस स्थान को बांके बिहारी का प्रकट स्थली के रूप में जाना जाता है। यहीं पर हरिदास जी का समाधि स्थल भी है जहाँ पर भगवान कृष्ण का सामने मंदिर है और वहीं पर हम सब भगवान कृष्ण को पाते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर भगवान रात में रोज यहाँ पर दर्शन देते हैं भक्तों को और रासलीला करने आते हैं। राधे राधे। ये सब गोपियाँ हैं, रास जब होता है रासलीला तब ये गोपियाँ नृत्य और वादन करते हैं, गीत गाते हैं। ये भगवान कृष्ण का, ये देखिए चार सभी तरफ भक्त मस्ती में झूम रहे हैं क्योंकि सभी कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के प्रेम में सब देखिए कैसा झूम रहे हैं। राधेमय है, पूरा जगह राधेमय है। ये निधिवन का पूरा वो एरिया है जहाँ पर सब गोपियाँ हैं, देखिए वृंदा के रूप में आसपास चारों तरफ घर है लेकिन सभी घरों में ग्लास लगा है, देखिए कांच लगा है सब में, किसी की खिड़की खुली नहीं रहती, सब बंद रहते हैं क्योंकि देखना यहाँ पर वर्जित है, अनुमति नहीं है। गोपियों के रूप में ये सब वृंदा है। ये देखिए बहुत ही बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है निधिवन, भगवान राधे कृष्ण यहाँ नित्य रास लीला करते हैं गोपियों के साथ, राधा के साथ। भगवान सबकी मुरादें पूरी करे, राधे कृष्ण सबकी मुरादें पूरी करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय। बोलिए राधे कृष्ण की जय। राधे राधे राधे, राधे।